हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर बहुत ज्यादा तनातनी हो रही है और जिसकी वजह से स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच संबंध भी खराब होने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द नीति साफ करे। हमीरपुर में पूर्व पार्षद और पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस ने कहा कि स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है जल्द समाप्त हो। कई स्कूल प्रबंधन सालाना फीस बाद में देने को कह रहे हैं, जबकि सरकार के आदेशों में कहीं भी सालाना फीस का जिक्र नहीं है और ना ही भविष्य में सालाना फीस ली जाएगी या नहीं। जहां तक ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है, वे स्कूल प्रबंधन कैसे करवाएंगे तब ही फीस ले सकेंगे। अमूमन तौर पर स्कूल प्रबंधन सिर्फ व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। क्या इस स्थिति में बच्चे कितना पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और वे फीस ले सकते हैं या नहीं। पूर्व पार्षद और पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस अजय शर्मा ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि स्कूल प्रबंधन भी लाचार है, क्योंकि उन्हें अपने अध्यापकों को सैलरी भी देनी है। दूसरी तरफ अभिभावक भी परेशान है कि उन्हें भी फीस देने के लिए कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार से अपील है कि वे जल्द स्कूल प्रबंधन को भी और अभिभावकों को इस झमेले से राहत दिलाए और जल्द से जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन्हें सैलरी दी जा सके, जिसके लिए सरकार उन्हें आर्थिक पैकेज देने की घोषणा करे, जिससे स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच जो तनातनी आए रोज हो रही है वे समाप्त हो सके। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रबंधन और जो हमारे अभिभावक हैं उनके बीच आए दिन फीस को लेकर तनातनी हो रही है और जिसकी वजह से स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच में संबंध भी बिगड़ते जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें कुछ बातें स्पष्ट नहीं हैं। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई अगर स्कूल प्रबंधन करवाए तो क्या व्हाट्सएप के द्वारा करवाए या कोई ऐप के थ्रू करवाए, ये जल्द से जल्द डायरेक्शन स्कूल प्रबंधन को होनी चाहिए ताकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी से समझ आए और अभिभावक भी उसके उपरांत फीस देने में आनाकानी ना करें, ये बहुत अतिवश्यक है। आज हमारे स्कूल प्रबंधन भी लाचार हैं और अभिभावक भी असमंजस की स्थिति में हैं कि सालाना फीस को लेकर जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी की है नोटिफिकेशन, उसमें कोई स्पष्ट ये नहीं है कि फीस सालाना स्कूल प्रबंधन लेगा या नहीं लेगा या बाद में लेगा। इसको लेकर भी सरकार जल्द स्थिति क्लियर करे। और जहाँ तक स्कूल प्रबंधन की बात करें तो वो भी लाचार है, उन्हें भी सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि वो अपने कर्मचारी और अध्यापकों को तनख्वाह हर महीने दें और इसकी वजह से वो स्कूल प्रबंधन अभिभावकों के ऊपर फीस देने के लिए दबाव बना रहे हैं। मेरा अपील है हिमाचल प्रदेश सरकार से कि वो ना स्कूल प्रबंधन को असमंजस में डालें ना अभिभावकों को असमंजस में डालें। जितने भी हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जितने भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको तनख्वाह देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अपने बजट से उनको आर्थिक सहायता करे, जिसकी वजह से ना स्कूल प्रबंधन को प्रॉब्लम होगी ना अभिभावक परेशान होंगे और जो अध्यापक और जो हमारे कर्मचारी प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत हैं उनको भी उनकी भी रोजी रोटी चलेगी।